बीते कुछ दिनों पहले माधोपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया था और इस झगड़े में एक गुट द्वारा गोली चलाई गई थी जिसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, जिसकी शिकायत सुजानपुर पुलिस को दी गई थी और पुलिस द्वारा मामला भी दर्ज किया गया था। अब परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा जो शिकायत दी गई थी उसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जिसने शरेआम गोली चलाई वे अभी भी बाहर घूम फिर रहा है। वहीं अब इस संबंध में सुजानपुर के थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि आरोपी जुडिशियल कस्टडी में है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं माधोपुर का रहने वाला। पिछले दिन 30 तारीख में जो साढ़े माधोपुर में जो घटना वापरी है तो आप मीडिया में सारे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, लोगों ने देखा और उसके अगेंस्ट अभी परचा कराने वास्ते थाना सुजानपुर विखे गए थे। अभी अपनी गल की उत्थे तो जो अं थाने बयान देने गए हाँ तो असी साढ़े बयान जोड़े एक्चुअल बयान से जो सा होया इन्होंने वो लिखे कुछ नहीं है। असी मुलाजम को कहा कि साड़ी गल लिखो कि उन्होंने सानू मारन की कोशिश की है, साढ़े गोली चलाई है और गोली अगर मेरे लग जाती तो हो सकता अज मेरा परिवार खत्म हो जाता उस दे नाल। लेकिन गोली नहीं लगी, साड़ी किस्मत चंगी है पर उन्होंने सानू मारन की कोशिश की है तो असी उन्होंने कहा कि साड़ी गल लिखो कि गोली मेरे ते चलाई गई है। वो कहते एको ही गल हुंदी है जी, ये कोई गल नहीं, देखा ही कहिंदा मनजीत दी ठोक दिया, सानू इदां समझा के चुप कराई दित्ता इन्होंने। दूजी गल मैं कहा जी मेरी घर दी गल लिखो, मेरी घर दी पर हाथ पाया मार कुटाई की। पिछले दिन भी असी मीडिया में बयान दिते कि मेरी जानी नू मारिया गया, बकायदा निशान तक दिखाया कि कितने कितने सट्टां लगियां। असी मैडिकल भी काफ़ी भी नाल लाई, 2 घंटे वेट करन दे बावजूद असी मैडिकल लिया, फिर मैडिकल जमा कराया और मैडिकल की काफ़ी पता नहीं इन्होंने सुजानपुर थाने लाई है कि नहीं लाई, सानू कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कल वो वाली पार्टी पंकज राहुल शर्मा ते रोहित शर्मा कल अही शाम नू माधोपुर पिंड विखे फिरद्या देखिया, इहदा मतलब वो बाहर आ गया, साडे नाल धक्का किया गया, साडी रिक्वेस्ट करन दे बावजूद भी पुलिस मुलाजमान ने साडी गल नहीं लिखी है। अगर साडी गल नहीं लिखी है इन्होंने तो अभी सानू 2-4 दिन जो साड़ी कार्रवाई नहीं पैंदी जां हफ्ते तक साड़ी गल नहीं पैंदी तो असी नैक्सट प्रदर्शन करांगे, हो सकदा असी रोड भी जाम करांगे। मेरी ये बेनती है कि सानू इंसाफ दिलाया जाए नहीं तो अभी अगे जावांगे। असी ये मेरी मीडिया नूं बेनती है, ये मेरी प्रशासन नूं बेनती है। बस लड़ाई सारी इस तरह कि मैं अपने घर का कम लाया होया और कम लाने से मैं उत्थे रोड गली से खड़ा सी ते उधरों राहुल शर्मा अपनी माँ के नाल आया तो ये मेरे बनते हुए मकान दी फोटो खिंचन लग पिया। मैं इन्हें पूछा भाई की गल है तो इन्हें मैंने सीधी गल करते बहन चौथ बकवास बंद कर, तेरी कुआत मैं जानता हूँ। जाहिर जी गल है अगर इदा की कोई गाल सू कड़ेगा तो अं सुनेंगे नहीं, लेकिन साड़ी गलबात जो इन्हें मैं मैं कोल आया तो इन्हें मैंने बांह फड़ के धक्का मार के परे फुटिया क्योंकि 6 फुटा जवान है तो इन्हें मैं इतने आर्मी से नौकरी करता तो और ऑन ड्यूटी है 8:30 बजे का टाइम ही, इन्हें ड्यूटी जाना उस तो पहले पहले अपनी माँ फोटो खिंचने वास्ते आया। साड़ी जिले गलबात इन्हें हुई है तो इन्होंने सू मारिया, ये गलबात सुन के मेरी जनानी भी उधरों आई है तो मेरी जनानी ने भी इन्हों हाथ चुकया और साढ़े सरपंच साहब पिंड के साढ़े उन्होंने ये बकायदा बयान दे चुके कि जनानी ने हाथ पाया, 2 फायर कटे है और सानू मारने की कोशिश की है, साड़ी किस्मत चंकी तो जल्दी साढ़े गोली चलाई गई है तो साड़ी किस्मत चंकी अं बच गए अभी। लेकिन साड़ी बेनती है कि साडा जो मसला हल नहीं होया तो अं अगे तक जावे। असं मेरा नाम चंद्रेश कुमारी, मैं पिंड माधोपुर की रहने वाली हाँ। 30 तारीख में जो मेरे नाल घटना हुई है वो तुम सारे ने वीडियो वायरल हुई है देख चुके हो तुम। लेकिन उनका मुंडा ही अपने घर का काम लगाया सी ते उनका मुंडा आके साडे घर दियां फोटोआं खिंचण लई पिया, जद मेरे घर वाले ने उन्होंने मना किया तो उन्होंने गाली गलोच की है। गाली गलोच के बाद जब मैं गई हूँ पहले उन्होंने मेरे घर वाले बांह तो फड़ के पारा सुटिया, जब मैं गई हूँ तो मैनू उन्होंने मारिया है, उसकी मेरी मैडिकल रिपोर्ट भी हैगी है। उस जदों उन मैनू वर्दी से मारिया सी, फिर वो घर गया तो पिस्तौल लैके आया है, उन्हें 2 गोलियां चलाईया जो कि मेरे घर वाले तो गोली चलाई है। अगर उन्होंने मैं अंदर ना करती तो हो सकता कि मेरे पति की जान चली जाती, ठीक है, तो मेरा परिवार खत्म हो जाता। इसलिए मैं चाहनी है कि उन्होंने बंदे नूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए और सानू इंसाफ चाहिए। एडे वे क्राइम तो बाद भी वो बंदा बाहर वेदा पिया है, उन्होंने जो अही कहना चाहते मतलब उन्होंने साड़ी गल नहीं लिखी है कि सानू मार कुट की है, साढ़े नाल गोलियां चलिया इन्हें पर वो कोई गल नहीं लिखी है उन्होंने, ठीक है। इस करके जाते वो पैसे वाले बंदे ही, ठीक है, असं गरीब बंदे असं पैसे नहीं दे सकते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वाले अगे कि सानू इंसाफ चाहिए, नहीं तो अही अगे जावांगे। सिया इंटीरियर अब आपको पठानकोट शहर में लाकर दे रहा है आपके सपनों के घर को सजाने का डेकोर मटेरियल। सिया इंटीरियर यहां आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर,
ड्राइंग एंड लिविंग रूम डेकोरेटिव इंटीरियर और भी बहुत कुछ जो आपके ड्रीम हाउस को बनाएगा सबसे खास, क्योंकि आपका घर खूबसूरत फर्नीचर और इंटीरियर के बिना अधूरा है। सिया इंटीरियो एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम जहां सिर्फ घर को ही नहीं सपनों को सजाने की बेहतरीन कलेक्शन मिलती है जो आपके घर को बनाएगा दूसरों से सुंदर और आकर्षक। तो सिया इंटीरियो पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हैप्पी फर्नीचर एंड इंटीरियर टू यू। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल सीलिंग फर्नीचर एंड डोर पैनल एन एलिगेंट लुक। एक्सपर्ट इन यूवी पीवीसी वॉल वॉलपेपर्स, पार्टीशन जाली आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे। वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट।